हम वचन सुनेंगे इब्रानियों 9:1-15। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और बेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से बंधा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और आरुण की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटिया थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के टकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिससे वह अपने लिए और लोगों के भूल चुक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी बेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वह केवल खाने पीने की वस्तुओं और पांति बांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और खलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिटका जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा का समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीराश को प्राप्त करे। इन वचनों में हम देख रहे हैं पहले वाचा में हम देख रहे हैं मूसा के द्वारा तंबू बनाया गया है, वहां परमेश्वर लोगों को मिलते थे, मिलने का जहां वही था तब उनको तंबू बनाने के लिए मूसा से परमेश्वर ने कहा है जैसा स्वर्गीय जैसा पहाड़ पर तुम्हें मैं जो दिखाया है वैसे ही बनाने में तू सावधान रहो करके मूसा से परमेश्वर ने कहा है। वैसे ही वहां हम देख रहे हैं एक एक तंबू का एक एक भाग कैसा कैसा बनाया है,
परमेश्वर ने हर बातों को उनको बताया है, कितना लंबाई रहना चाहिए, कितना चौड़ाई रहना चाहिए, कौन सा चीजों से ये बनाना चाहिए करके, ये पृथ्वी का तंबू बनाने का हर एक बातों को परमेश्वर ने बताया है। कौन सा कपड़ा में रहना चाहिए, कौन सा धागा में, कैसे जगह पर रखना चाहिए, हर बात उनको प्रकट हुआ मूसा को। वैसे ही वो तंबू को मूसा ने वहां बनाया है। हम देख रहे हैं उसमें पहले जो स्थान था वो पवित्र स्थान कहलाता है। उसके बाद पर्दा का पीछे जो भाग है उसको महापवित्र स्थान कहलाते हैं। पवित्र स्थान में क्या क्या रहना चाहिए करके वहां परमेश्वर ने मूसा को बताया है। फिर उनमें से सेवकाई करने के लिए किसको नियुक्त करना है करके उसको भी परमेश्वर ने, वो याजक का सेवकाई के लिए भी किसको अभिषेक करना है करके हर एक बातों को उनको प्रकट किया। वैसे ही वो नियम को करने के लिए मूसा भी सबको तैयार किया है करके हम देख रहे हैं। पहले पवित्र स्थान में दीवट और मेज और बेड की रोटियां थी और यह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे हम देख रहे हैं वो उसमें वो परम पवित्र स्थान करके लिखा है। वो परम पवित्र स्थान के अंदर वो क्या क्या रहता है, उसमें सोने की धूपधारी और चारों ओर सोने से पटा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तवान और आरुन की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटिया थी, ये सब उस वाचा का संदूक में रहता था। मन्ना और आरोन की छड़ी, फूल और फल आया हुआ वो छड़ी था, फिर वाचा की पटिया थी, ये सब हम देख रहे हैं जंगल में। जैसा मिस्र देश से परमेश्वर ने इसराइली लोगों को लेके आया तब वहां देखिए परमेश्वर ने उन लोगों के लिए मन्ना खिलाया स्वर्ग से, स्वर्गीय दूध का खाना उन लोगों को मिला। फिर उन लोगों के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं एक बार याजक का विरोध में सब लोग ने खड़े हो गए, क्या तुम ही बड़ा महायाजक है, क्या हम नहीं होंगे क्या करके सब लोग उनको विरोध में गुड़गुड़ावट होने लगे। तब देखिए परमेश्वर ने सबका छड़ी को लेकर साक्षी पत्र का तंबू में रखने के लिए कहा था, तब उसमें से आरोन की छड़ी में फूल और फल आया, ये सब वहां वाचा का संदूक में रखा गया है करके हम देख रहे हैं। देखिए उन लोग परमेश्वर का विरोध में, उसका नियमों के विरोध में, उनका नेतृत्व के विरोध में उन लोग जो भी कार्य किया है करके, इसके बारे में अच्छे से हमारा पास्टर जी का बच्चे लोग विवरण से इनके बारे में बताया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए ये सब हम देखने से हमारे लिए पुराना नियमों को पढ़ने के लिए और अच्छा से मन लगेगा, क्योंकि पुराना नियम में एक एक बलिदान जो भी बात बताया गया है वो सब यीशु मसीह को दर्शाता है। यहाँ जैसा हम देख रहे हैं ये सच है, यीशु मसीह वो सच है, वो एक छाया के रूप में वहां एक एक बातों को वहां बताया है। ऐसा आराधना होना है, ऐसे नियमों को परमेश्वर ने जो जो तंबू में ऐसा करना है वैसा रखना चाहिए, जो भी बात वहां बताया है सब यीशु मसीह को दर्शाता है। लेकिन उन लोगों को वो छाया को ही वो लोग पकड़ के रखा है, लेकिन सच्चाई यीशु मसीह को उन लोग माना नहीं है। यीशु ने बोला मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूं करके, यहां हम देख रहे जीवन के रोटी बना यीशु मसीह। जैसा स्वर्ग से मन्ना मिला है वैसे हमारे लिए यीशु स्वर्ग से आया है, वो हमारा मन्ना यीशु है। फिर हम देख रहे हैं पुनर्तान जीवन मैं ही हूं, यीशु ने कहा पुनर्तान, यीशु मसीह हमारा पाप के लिए मरा, तीसरा
तीसरा दिन जी उठ गया है, फिर व्यवस्था को उन लोग को पालन नहीं कर पाया, उन लोग व्यवस्था को विरोध में लोग कार्य करते थे, लेकिन यीशु मसीह आया व्यवस्था को पूरा कर दिया है करके हम यीशु मसीह के बारे में हम देख रहे हैं। ऐसे यहाँ सब बात रहता था, दयासन के ऊपर दो तेजमय करूप रहता था करके हम यहाँ हम देख रहे हैं। तब देखिए महायाजक क्या करता था, साल में एक बार उसके अंदर वो प्रवेश होता था पवित्र स्थान में। तो पवित्र स्थान में लोग याजक लोग रोज जाके उनमें आराधना सेवकाई करते थे, लेकिन महापवित्र स्थान के परम पवित्र स्थान के अंदर कोई भी इतने आसान रीति से नहीं जा पाएंगे, वो जा नहीं पाते हैं। केवल महायाजक एक ही बार साल में वो प्रवेश करता था, वो भी किसी रीति से जाता था, जैसा लोगों का पाप का बलिदान का प्रायश्चित का वो बलि को ले उसका लहू को लेके बकरा का लहू को लोग घाट बलिदान दिया जाता है लोगों का पाप के लिए, तब उस लहू को लेके वो दयासन के ऊपर वो छिटका देता था, तभी लोगों का पाप टाप दिया जाता था। हम देख रहे हैं वो महायाजक भी एक इंसान था, इसलिए वो अपने पाप के लिए भी बलिदान देना पड़ता है, फिर उसके बाद उन लोगों के लिए भी वो बलिदान को लहू को लेके उसके अंदर वो डर डर के साथ वो साल में एक बार प्रवेश होता था। इतना करते थे लेकिन फिर भी पवित्र स्थान का मार्ग तो अभी तक खुला नहीं था, वो बंदी था। तब ये तंबू का ये सब बात ये दृष्टांत के रूप में बताया गया है, वर्तमान का समय के लिए एक दृष्टांत है। तब उन लोग ने देखिए वो छाया कोई वो लोग देखते रहा, सच्चाई को उन लोग ने नहीं माना। यीशु ने बोला मैं ही मार्ग और सत्य जीवन हूँ, कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं आ पाएगा करके यीशु ने कहा है। योहन्ना 14:6 में हम देख सकते हैं इन वचनों को, लेकिन उन लोग फिर भी माना ही नहीं है। उन लोग बाहर के बाहरी वहां का वहां ही वो लोग रहते थे। इन लोग ने देखिए परमेश्वर ने जो जो बात बताया ये सब देखिए, बलिदान चढ़ाना दान देना ये सब शारीरिक जो भी क्रिया है ये सब करने से उन लोगों का विवेक मन सिद्ध नहीं हुआ है करके हम देख रहे हैं। ये शारीरिक कामों के द्वारा ये सब बातों के द्वारा उन लोगों का मन सिद्ध विवेक मन सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन विवेक मन कैसे सिद्ध होता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही वो सिद्ध होता है। हमारा महायाजक यीशु मसीह ने एक ही बार वो प्रवेश हुआ है एक ही बलिदान के द्वारा करके हम देख रहे हैं। महायाजक के बारे में हम देखेंगे तो पुराना नियम में वो हर साल वो बलि चढ़ाना पड़ता था, हर साल लोगों का पाप का प्रायश्चित के लिए वो लहू को लेके अंदर वो जाना पड़ता था, हर साल करता था, लेकिन इतने हर साल वो लोग करते हुए भी इतने नियमों को वो लोग करते हुए भी उनका विवेक मन सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन विवेक मन को एक ही बलिदान हमारा यीशु मसीह महायाजक बनकर आया पृथ्वी में, एक ही बार वो बलिदान होने से एक ही बार वो महा पवित्र स्थान के अंदर वो प्रवेश हुआ है करके हम देख रहे हैं। उसके द्वारा ही आज हम पिता के पास हम आ सकते हैं, हमें हिम्मत मिलती है, हमारे लिए वो पर्दा फट गया है, वो मार्ग अभी खुल गया है। अभी कोई भी ये नहीं कर सकता है हमारे लिए मार्ग खुला नहीं है करके, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमारा महायाजक उनका पवित्र लहू के द्वारा उनका एक ही बलि के द्वारा वो हमारे लिए मार्ग खुल गया है, क्योंकि वो स्वर्ग से आया है। 100% वो इंसान भी था, वो परमेश्वर भी था।
हम ये नहीं कह सकता है इंसान बन के वो तो परमेश्वर था इसलिए सारे कष्ट सहा करके हम कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि वो इंसान के शरीर में सारे कष्ट को वेदना को सब सहा, सारे निंदा अपमान को वो सहा, इसी मार्ग में वो गया। देखिए हमारे लिए भी वो मार्ग उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे लिए वो मार्ग खुल गया है, आज फर्दा फट गया है, आज हम अंदर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हिम्मत मिलती है, हम परमहा पवित्र स्थान के अंदर हम प्रवेश दया के आसन के पास हम आ सकते हैं। जो भी पाप करते हैं उसका मृत्यु है करके, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पाप क्षमा हुआ है, हमें छुटकारा मिल गया है, अनंत छुटकारा हमें मिल गया है यीशु मसीह के द्वारा। पहले महायाजक के द्वारा जो भी छुटकारा था वो थोड़े समय के लिए, वो तात्कालिक था, उन लोगों के लिए वो परमानेंट नहीं था, वो ऐसे पाप ढका जाता था, लेकिन अभी तो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारा पाप, पाप के द्वारा मिलने वाला मृत्यु, श्राप, दोषित मन सब यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता था, अठा गया, मीठा डालता है। यीशु मसीह के लहू को इतना बड़ी महान सामर्थ्य है, आज ये लहू का सामर्थ्य को हम समझना है। जैसे रोज हम देख रहे हैं, रोज हम ये पाप से भरा हुआ ये दुनिया में हम रहते हैं, इसलिए पाप करने का मौका वो परिस्थिति तो हमेशा हमारे चारों ओर गहरा हुआ है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकता है मैं तो पापी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो यीशु मसीह का बच्चा बन गया हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कि देखिए हमारा आत्मा पाप से क्षमा हो गया है, अभी पवित्र हो चुका है, लेकिन अब हमारा मन, हमारा विचार, अभी हमारा शरीर अभी पवित्र होना बाकी है। वो कैसे पवित्र होता है, हर एक दिन कैसे हम देखते हैं, हमारा विवेक मन दोषित मन के साथ नहीं रहना चाहिए। हम यहाँ 14 वचन में हम पढ़ते हैं, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर के सेवा करो, करके लिखा है। हम जीवित परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। देखिए हमारा विवेक मन ऐसे मरे हुए कामों से शुद्ध करने के लिए, कोई भी क्रिया से, कोई भी कामों से वो शुद्ध नहीं होता है, हमारा यीशु मसीह के पवित्र लहू उसको शुद्ध करता है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है मैं पाप नहीं कर सकता हूं करके, क्योंकि हम यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं। जैसा हम पहला योहन्ना 1:7 में भी हम इस वचनों को हम देख सकते हैं। पहला योहन्ना 1:7 में हम वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह का लहू सारे पाप से हमें शुद्ध करता है करके, क्योंकि दुनिया में हम रहते हैं, पाप करने का परिस्थिति तो रहता है। जैसा हम देख रहे हैं, एक घर को हम कितना भी बंद करके आप रखिए, घर के अंदर तो धूल मिट्टी तो आता है, वैसे ही हम ये दुनिया में रहते हैं, इसलिए हम पाप हर एक दिन हम कुछ न कुछ हम देखते हैं, कुछ न कुछ हम सोचते हैं, कुछ गलत विचार, ऐसे कुछ न कुछ हमारा मन को अशुद्ध करता है। तब इसके लिए हम निराश होकर हम दोषित मन के साथ बैठने का अवश्य नहीं है, हमारा यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। हम देखिए पुराना नियम में भी दाऊद इस तरह से अपना भजन संगीता 51 में वो पाप कर दिया एक बार, फिर उसका मन परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा बताया, तब इस तरह से वो गीत को गाते हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि मन इंसान जन्म से वो पाप से वो जन्म होता है, तब पाप करने का विचार उसके अंदर रहता है, इसलिए उसमें से छुटकारा देने वाला एक ही मात्र यीशु का लहू से हम छुटकारा पाते हैं। दूसरा कोई भी हमें शुद्ध नहीं कर सकता है, यीशु का लहू हमें
इसमें से शुद्ध कर सकता है। इस तरह से बता रहा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा करके कोई भी इंसान पाप से वो जन्म होता है। उसके बाद हम उसको देख रहे हो कैसे प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर करके वो रो रहा है। पुराना नियम में ऐसे बलिदानों के द्वारा वो शुद्ध होता है करके वो जानता है, लेकिन देखिए आज हमारे लिए यीशु मसीह एक ही बलिदान हो गया है, एक ही उसका बलिदान के द्वारा आज हम कितने भी हम पाप किए होंगे, अभी आने वाला दिनों में कितने भी हम ऐसे पाप करेंगे, सबके लिए यीशु मसीह एक ही बार बलिदान चढ़ा दिया है, अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया है। इसलिए हर एक दिन इसको हम याद करना चाहिए, दोषित मन के साथ परमेश्वर से परमेश्वर को छोड़कर हम पीछे नहीं हटना है। तब ये दोषित मन हमारे अंदर आ जाता है तो वो क्या कर देता है, हमें दूर कर देता है। ऐसे हर एक दिन हम देख रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ बातों को हम देख लेते, कुछ ना कुछ विचार, गलत विचार किसी के ऊपर हमें आ जाता है, ये तो दुनिया में रहता है। तब हम क्या करना चाहिए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध होना चाहिए, हमारा विवेक मन को शुद्ध करने वाला, शुद्ध करने के लिए सामर्थ यीशु के लहू के ऊपर है। जैसे हम कुछ भी गलत कर दिया, पाप कर दिया, तो कैसे हमारा विवेक मन तुरंत उस जजमेंट करने के लिए वो तैयार रहता है, तुम्हें कर दिया करके, तो वैसे ही तुरंत उसको हमें साफ करने के लिए, उसमें से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह के लहू वो हमें तैयार रहता है, तुरंत तुरंत उसमें से शुद्ध होने के लिए। इसलिए आज उसमें से हम बने नहीं रहने का, उसी में से हम एक कोई लोग ऐसे दोषित मन के साथ दूर हो जाते हैं, निकट आ नहीं पाते, जीवित परमेश्वर के लिए सेवकाई नहीं कर पाते। जीवन सिर्फ सेवकाई करने वाला के लिए बात नहीं लिखा है, हर एक दिन हम परमेश्वर का प्रसन्न करने वाला एक जीवन जीने के लिए भी लिखा है। कैसे हम जी पाएंगे, ऐसे हमारा विवेक मन हमें सताते रहेगा तो हम कैसे परमेश्वर का निकट आ पाएंगे। देखिए आज हमारे लिए परमेश्वर ने मार्ग खोल दिया है, उसका लहू को हम देख रहे हैं। हम जकरिया 13:1 में हम देख रहे हैं, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता दोनों के नियम दोनों को निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा करके लिखा है, वही यीशु मसीह है। आज हमारे लिए वो बहता हुआ सोता वो खुला है, हम कभी भी इसके पास इसके निकट हम आएंगे, हमारा विवेक मन को वो शुद्ध करता है, हम इसमें बने नहीं रहना है। तब शैतान के लिए मौका मिल जाता है, वो ऐसे ही मरा हुआ काम वो क्या करता है, हमारा मन के अंदर वो छिपा हुआ रहेगा, तब लागू से वो शुद्ध नहीं किया है तो वहां वो जड़ को, वो जड़ क्या करता है, वो एक गांव को लेके आता है, वो सड़ा देता है। सड़ा हुआ गांव रहेगा तो कैसा रहेगा, एक बांस मारता है। लेकिन जीवित परमेश्वर को सेवकाई करना है तो वो यीशु मसीह के लहू हमारा विवेक मन को शुद्ध करता है, हर एक दिन हर दिन वो शुद्ध करता है। वो जीवित है, उनका लहू आज भी जीवित है, हमारे लिए महायाजक बनकर यीशु मसीह वो पवित्र परम पवित्र स्थान के अंदर वो प्रवेश हो चुका है, आज भी वो हमारे लिए बात कर रहा है, हमारा महायाजक यीशु है। देखिए विवेक मन में एक दोषित मन हो जाता है तो हमारा मन क्या होता है, हम एक गुलामीपन को हम महसूस करने लगते हैं, हमारे लिए कीमत नहीं मिलती है। जैसा हम पुराना नियम में आप देख सकते हैं यूसुफ का कहानी तो सब हम जानते हैं, यूसुफ उनके भाई लोगों के द्वारा सताया गया, गड्ढे में डाला गया, तब उसके बाद देखिए उन लोग ने उसको उठाकर बेच दिया, तब उसके बाद वहां वो मिस्र देश में उसको परमेश्वर ने लेके आया, वहां कितना उस कष्ट सहा, किस किस बातों में वो आया, तब देखिए एक बड़ा गवर्नर बन गया था। तब उसी समय में देश में एक अकालपन हो गया है,
ये सब कहानियों आप अच्छी तरह से उत्पत्ति का किताब में आप अच्छे तरह से पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तब उसके बाद देखिए अकालपन हो गया है, तब उन लोगों को पता चलता है मिस्र देश में सब मिलता है, खाने का वस्तु सब वहां मिल रहा है करके सुनने में आ रहा है। तब इन लोग ने क्या किया, उसका यूसुफ का पापा ने अपने भाई लोगों से बता रहा है, तुम लोग वहां जाओ, वहां जाके खाना लेके आओ करके उन लोगों को वहां भेजा। तब उन लोग वहां जा रहे थे, तब वहां जाके देखा उन लोग खाना ले रहे थे, तब जो गवर्नर था यूसुफ उनको पता चल गया जो लोग आए हैं वो हमारा भाई लोग है करके। लेकिन वो तो उसका मन में तुरंत उन लोगों के लिए वो तड़प रहा है। तब देखिए उन लोगों को एक बार दो बार वैसे किया, फिर उसको मन वो छिपा नहीं सका क्योंकि उनका मन उन लोगों के लिए इतना ऐसे एक उत्साह में था। उन लोग उसको उन्होंने स्वीकार किया यूसुफ ने अपने भाई लोगों को। लेकिन थोड़े दिन के बाद देखिए फिर उनको वहां ही उनको रहने के लिए अपने मिस्र देश में उनको बुलाया, अपने पापा को भी लेके आने के लिए बोला उन लोगों के लिए। वहां एक देश में एक अच्छा जगह को उन लोगों को दिया है यूसुफ ने, उन लोग वहां ही रहते थे। फिर एक समय आया, देखिए उनके पापा उम्र हो गया था, वो मरने वाला था, मर गया। तो मरने के बाद उन भाई लोगों के अंदर एक घबरावट होने लगा। तब उन लोग ने एक आदमी को भेज रहा है, बोल रहा है यूसुफ के पास आप लोग जा, आप जा कहना है करके। तब हम उत्पत्ति का 50 अध्याय में हम देख सकते हैं 16-17 में उन लोग ने एक आदमी से ऐसे बोलकर भेज रहे हैं, तुम जाके कहो पिता मरने के पहले इस तरह से बोल के गया है तुम्हारा भाई को माफ करने का, क्योंकि उन लोग ने तुम्हारा विरोध में जो पाप किया है, अपराध किया है, इसको क्षमा कर करके उनको यूसुफ के पास उन लोग ने ऐसे बोल के भेजा है। तब वो सुनकर यूसुफ ने रो रहा है, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो, मैं तो आप लोगों को क्षमा कर चुका हूं करके उन्होंने बता रहा है। लेकिन इन लोगों का मन देखिए, इतना करने के बाद भी उन लोग अपने देश में वो बुलाया, अच्छा जगह दिया, इतना स्वीकार करने के बाद भी उनको मन में वो एक दोषित मन था। उन लोगों को मन में अभी भी उसका मन विवेक मन उन लोगों को सता रहा है, तुम लोग ने सिर्फ पाप कर दिया, गलत कर दिया उसका विरोध में करके। इसलिए वहां उन लोग ने बोल रहे यूसुफ का पाव पर गिरकर हम एक दास के समान हम आपके पास रहेंगे करके। लेकिन वो तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन इनके मन का विचार ऐसा ही है। देखिए आज ऐसे ही ये दोषित मन हमारे अंदर आ जाता है तो एक दास के ऐसे एक गुलामीपन का महसूस हमारे अंदर होता है। लेकिन आज यीशु मसीह के लघु के द्वारा हमारे लिए लेपालकपन का आत्मा मिला है, दासत्व का आत्मा नहीं है, लेपालकपन है, अप्पा है पिता करके पुकारने का बुलाने का आत्मा में परमेश्वर ने दिया है। आज यीशु मसीह के लघु के द्वारा ही हमें ये हिम्मत मिलती है। हम नया नियम में भी हम देख रहे हैं, जैसा उड़ाऊ पुत्र का कहानी में वो भी गया, अकालपन हो गया, परमेश्वर का पिता का वो सारे प्रेम छोड़कर दूर देश गया, अकालपन में आ गया। फिर उसको पता चल रहा है मेरे पिता के घर में सब लोग अच्छे से आशीष में रहते हैं, खाते है पीते, मुझे खाने का भी इतना तकलीफ हो रहा है करके वो मन फिर कर आ रहा है। लेकिन उसके मन में भी एक दोषित मन है, देखिए वो भी आके ऐसे सोच के आ रहा है, मैं भी मेरे पिता के पास जाऊंगा, ऐसे बताऊंगा पिता मैं आपके विरोध में स्वर्ग के विरोध में पाप किया हूँ, आप मुझे एक दास के रूप में स्वीकार कीजिए करके वो बोलने के लिए आया। लेकिन पिता देखिए वो जैसे वो स्वर्ग के साथ वो रहता था, लेकिन पिता ऐसे ही उसको स्वीकार कर दिया, ऐसे ही पापों को क्षमा कर दिया। लेकिन उसका तुरंत वो बोलने के पहले बोल रहा है अच्छे वस्त्र इसको पहनाओ, अंगूठी पहनाओ करके उसको स्वीकार किया, नजदीक में बुला लिया। आज यीशु मसीह के लहु आज ऐसे हमारे लिए वो सोता खुला है। आज उस लहु के द्वारा हमारा पिता के नजदीक में हम आ सकते हैं, उसके आशीष का भागीदार, उसका वायदा, जो भी वायदा किया है यीशु मसीह ने, आज उनके द्वारा हम वो वायदा का वारिस बन गया है।
इसलिए आज हमें हिम्मत मिलती है, हमें आज दोषित मन के साथ एक गुलामी पन के ऐसे मनोभावना में हमें रहना नहीं चाहिए, हमें नजदीक में आना चाहिए। यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, हमें उसका आशीष को, उसका आनंद को हम अनुभव करना चाहिए। तब कैसे अनुभव होगा? ये मन, विवेक मन सिद्ध यीशु मसीह का लहू के द्वारा विवेक मन सिद्ध होता है, वो शुद्ध करता है। इसलिए हम उनके आनंद में, जैसा दाऊद ने कहा, आपका आनंद को मुझसे आप नहीं हटाना है करके, लेकिन आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें आनंद मिलती है, हमें आशीष मिलती है, हमें आरोग्यता मिलती है। आज इसलिए दोषित मन को आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए, आज हम नजदीक आ जाए, उसका आनंद को अपने जीवन में हम अनुभव करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। जैसा हमें रोमियो 8 में हम देख रहे, वचन 3 में हम देख रहे हैं, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर की है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मृत्यु में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है करके लिखा है। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ हो चुका है उनके बलिदान के द्वारा। आज हम उनका निकट में हम पहुंच गया है, उसका पवित्र लहू हमें धर्मी बनाया है। आज इसलिए हम हिम्मत के साथ हम यीशु मसीह का आशीष को हम अनुभव करना है, वो जीवित परमेश्वर को हम सेवकाई करने के लिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें हिम्मत मिलती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु, आज का वचन के द्वारा आप हमें बात किया है, हमारा विवेक मन को आप शुद्ध किया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमें यह आशीष मिलती है, यह आनंद मिलती है। आज सब बच्चे लोगों के अंदर जो भी घायल है, जो भी दुख है, आप जो भी गुलामीपन का विचार है, आज इसको हटाइए प्रभु। आपका लहू से हमें मिला हुआ वो हिम्मत को आज अनुभव करने के लिए हरेक को आप सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन।